हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब हम लोग इस लास्ट वीडियो में देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के क्या क्या हाइपर पैरामीटर्स होते हैं साइकिटलर्न लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन पेज से आपको सारे के सारे हाइपर पैरामीटर्स का एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद मैंने एक विजुअल टूल बनाया है जहां पर मैं इन हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज करके आपको एक डेटा सेट के ऊपर चला के दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज एन एल्गोरिदम जिसमें बहुत सारे ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे ट्यूनिंग नॉब्स हैं, विच मीन्स आप इसके परफॉर्मेंस को बहुत तरीकों से कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने गिन के देखा था, इन शॉर्ट यहाँ पर 15 हाइपर पैरामीटर्स हैं और मैं आपको सबके बारे में एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज पेनल्टी। ठीक है, अगर आपने लीनियर रिग्रेशन के केस में रेगुलराइजेशन पढ़ा होगा, मैंने कुछ दिन पहले उसके ऊपर वीडियोस डाले थे, L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन, बेसिकली लासो और रिज रेगुलराइजेशन, और फिर मैंने आपको इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन भी पढ़ाया था। ये तीनों रेगुलराइजेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में ही रेगुलराइजेशन लगा के मिलता है। ठीक है, सो पेनल्टी का वैल्यू आप दे सकते हो L1, L2, इलास्टिक नेट या फिर नन। आप जैसे ही नन अप्लाई करोगे, कोई रेगुलराइजेशन अप्लाई नहीं होगा और आप डिफॉल्ट नॉर्मल लॉजिस्टिक रिग्रेशन चलाओगे। ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज है वो है डुअल। डुअल टू बी ऑनेस्ट थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, मतलब इस पॉइंट पे इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना समझ लो कि आपको जनरली जो वैल्यू है वो फॉल्स रखनी है, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू है आपको डुअल फॉर्मुलेशन यूज करना होता है। अब डुअल फॉर्मुलेशन क्या होता है, प्राइमल फॉर्मुलेशन क्या होता है, ये थोड़ा आगे का टर्म है। इस पॉइंट पे बस ऐसे समझ लो, जब तक आपके नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है आपके डुअल फॉर्मुलेशन को आप यूज करते हो। ठीक है, सो आई एम सॉरी, प्राइमल फॉर्मुलेशन को आप यूज करते हो। ओके, सो या नेक्स्ट इज टॉलरेंस। ठीक है, दिस इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर योर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ये वैल्यू आप जितना छोटा करते जाओगे, जीरो के क्लोज लेके जाओगे, आप कंप्लीटली डिपेंड करोगे नंबर ऑफ आइटरेशंस के ऊपर। अगर आप इस वैल्यू को बहुत बढ़ा दोगे तो ग्रेडियंट डिसेंट बहुत पहले रुक जाता है। ठीक है, तो अगेन इसको भी उतना चेंज नहीं किया जाता है, इसके बदले हम ज्यादा चेंजेस जो करते हैं वो मैक्स आइटरेशन में करते हैं, नंबर ऑफ ईपॉक्स में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सी। सी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेगुलराइजेशन यूज कर रहे हो तो सी बहुत यूजफुल हो जाता है, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू 1.0 है। अब सी होता क्या है, सी इज एक्चुअली 1/लैम्डा। जो आपने रेगुलराइजेशन में लैम्डा पढ़ा था, ये उसका इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ, इट शुड बी अ पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और जितना ये छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग रेगुलराइजेशन होगा। जितना जीरो के पास होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलराइजेशन होगा, जितना बड़ा होगा रेगुलराइजेशन उतना वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिट इंटरसेप्ट। आपको डब्ल्यू नॉट वाला कोफिशियंट चाहिए कि नहीं चाहिए, जनरली इसका वैल्यू 2 ही रखा जाता है, हम इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करते। ठीक है, इंटरसेप्ट स्केलिंग अगेन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्लास वेट। ठीक है, क्लास वेट का वैल्यू होता है डिफॉल्ट में नन, और एक और होता है बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये वाला पर्टिकुलर हाइपर पैरामीटर आप तब यूज करते हो जब आपके पास इम्बैलेंस्ड डेटा सेट हो, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को डोमिनेट कर रहा हो, 95% एक क्लास है, 5% दूसरा क्लास है। इन दैट केस आप क्या करते हो, आप वेट्स असाइन कर देते हो। बट जनरली जब तक आपके पास इम्बैलेंस्ड डेटा सेट नहीं है आप इस पैरामीटर को अगेन छेड़ोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट आपको, रैंडम स्टेट के पहले एक बार सॉल्वर पढ़ लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का खुद का क्लास बनाया था, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द सॉल्वर्स जो हमने क्रिएट किया था। थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग अलग बंदों ने अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगा के अलग अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन सॉल्वर्स बनाए हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास 5 ऑप्शन है, न्यूटन सीजी, LBFGS, लिबलीनियर, SAG एंड SAGA। ठीक है, सो अब इन सब के अलग अलग काइंड ऑफ यूजेस हैं। अगर आप ये चार्ट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज आप कब यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मल्टीनोमियल एज इन
सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन यूज कर रहे हो विथ एल टू पेनल्टी, तो आप लिब लिनियर यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ये फीचर इंप्लीमेंटेड नहीं है. ठीक है, LPFGS आप कर सकते हो, न्यूटन सीजी कर सकते हो, SAG कर सकते हो, SAGA कर सकते हो. सिमिलरली अगर आप इलास्टिक नेट अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ SAGA यूज कर सकते हो और कहीं भी, अगर आप इलास्टिक नेट यूज करना चाहते हो तो या आप सिर्फ SAGA यूज कर सकते हो, बाकी कहीं भी इलास्टिक नेट अप्लाई करने का फीचर नहीं है. अगर आप विदाउट पेनल्टी काम करना चाहते हो, विदाउट कोई रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज किए काम करना चाहते हो, तो आप ये चारों यूज कर सकते हो. तो आपको ये चार्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, बाकी आप गलती कर करके सीख जाओगे. यहाँ पे कुछ कुछ और बिहेवियर्स भी हैं इन सॉल्वर्स के, कि जैसे कि बड़े डेटा सेट्स के ऊपर कौन से सॉल्वर्स फास्ट हैं, कौन से सॉल्वर्स अनस्केल्ड डेटा के ऊपर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कौन से सॉल्वर्स आपके इंटरसेप्ट टर्म को पेनलाइज करते हैं. तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा एक बार याद रखना पड़ेगा. ऑनेस्टली मुझे खुद भी उतना याद नहीं रहता है, मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करता हूँ तो इंटरनली सब कुछ खुद से हैंडल हो जाता है, बट अगेन एक रफ आइडिया होना चाहिए, स्पेशली अगर आप इंटरव्यूज वगैरह में बैठने जा रहे हो तो. ठीक है, सो अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंडम स्टेट एक इंटीजर वैल्यू आप दे सकते हो और ये सिर्फ तभी यूजफुल होता है जब सॉल्वर का वैल्यू इन तीनों में से कोई एक होता है, अदरवाइज इट इज नॉट यूजफुल. ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्स आइटरेशन, दिस इज द नंबर ऑफ epochs taken by the algorithm to converge. नेक्स्ट इज मल्टी क्लास. मल्टी क्लास मतलब अगर आपके डेटा में दो से ज्यादा क्लासेस हैं, आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इन दैट केस आप ऑटो सेलेक्ट करते हो या फिर OVR या फिर मल्टीनोमियल. OVR होता है वन वर्सेस रेस्ट और मल्टीनोमियल होता है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द ऑप्शन चोजन इज OVR देन बाइनरी प्रॉब्लम इज फिट. अगर आप OVR सेलेक्ट कर रहे हो तो होगा क्या कि आपके हर क्लास के लिए एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम चलाया जाएगा, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया जाएगा. सो अगर आपके पास तीन क्लासेस हैं तो आप तीन अलग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स चलाओगे. ठीक है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, दैट इज वन वर्सेस रेस्ट. OVR का मतलब होता है वन वर्सेस रेस्ट. उसके बाद है अगर आप मल्टीनोमियल सेलेक्ट करते हो तो आप मल्टीनोमियल लॉस को मिनिमाइज करते हो. ठीक है, और ये तब भी काम करता है जब आपका डेटा बाइनरी है. ठीक है, तो बेस्ट यही रहता है कि आप इसको ऑटो पे छोड़ दो. ठीक है, अनलेस अंटिल आप श्योर नहीं हो कि आपको मल्टीनोमियल करना है या OVR करना है, इसको ऑटो पे छोड़ दिया जाने पे बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्बोस. ट्रेनिंग होते टाइम अगर आपको बीच के स्टेजेस में रिजल्ट्स देखने हैं तो वर्बोस को वैल्यू आप 1 दे सकते हो. नेक्स्ट इज वॉर्म स्टार्ट. वॉर्म स्टार्ट अगर आप ट्रू कर दोगे तो आप जिस पॉइंट पे ट्रेनिंग स्टॉप कर रहे हो, अगर उसके बाद फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करो तो जिस पॉइंट पे आपने स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू होगा, वही पैरामीटर वैल्यू से कंटिन्यू होगा. अगर आपने फॉल्स कर रखा है तो हर बार शुरू से ट्रेनिंग होगा. ठीक है, एन जॉब्स होता है आपके सारे कोर्स को यूज करने के लिए. आपके सीपीयू में मल्टीपल कोर्स होते हैं. अब लेट्स से आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हो यूजिंग OVR. OVR मतलब हर क्लास के लिए एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टास्क है. उस केस में आप क्या कर सकते हो, n जॉब्स का वैल्यू -1 सेट कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके सीपीयू के सारे कोर्स को यूटिलाइज करने लग जाएगा. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज L1 रेशियो. आपको पता है L1 रेशियो कब यूज करना होता है? L1 रेशियो यूज करना होता है जब आप इलास्टिक नेट रिग्रेशन यूज कर रहे हो. ठीक है, अगर आप इसका वैल्यू 0 कर दोगे तो फिर L2 की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप 1 कर दोगे तो वो L1 की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप बीच में रखते हो 0 और 1 के तो दोनों के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा. अगेन ये वाला चीज हमने डिस्कस कर रखा था जब हमने इलास्टिक नेट रिग्रेशन पढ़ा था. ठीक है, सो ये हो गई सारी के सारे हाइपर पैरामीटर्स की बात. अब एक बार इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं. सो ये मैंने एक टूल बनाया है, इसका कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आप इस कोड को उठा करके इसको रन कर सकते हो. इट्स अ पाइथन प्रोजेक्ट बेसिकली. सो यहाँ पे 2 टाइप के डेटा सेट्स रखे हैं मैंने. मैंने सारे के सारे हाइपर पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं रखे हैं, जो मेरे इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर्स हैं जैसे कि रेगुलराइजेशन, सी का वैल्यू, कौन सा सॉल्वर है, नंबर ऑफ epochs, मल्टी क्लास और L1 रेशो. बाकी चीजें मैंने नहीं रखी है क्योंकि वो काइंड ऑफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने 2 डेटा सेट्स लिए हैं, एक है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए और एक है 3 क्लास क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है, तो पहले मैं आपको बाइनरी पे दिखाता हूँ विदाउट एनी रेगुलराइजेशन. एंड यू कैन सी अगर हम नो पेनल्टी यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ इन चारों को यूज कर सकते हैं, LPFGS, न्यूटन सीजी,
SAG और SAGA, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो लेट सेलेक्ट दिस वन, और बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, डिफॉल्ट वैल्यू ईपॉक का 100 है, इसको मैं ऑटो रहने दे रहा हूँ। L1 रेशो की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इलास्टिक नेट यूज नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम इसको रन करें, यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट विदाउट अप्लाइंग एनी रेगुलराइजेशन टेक्निक, ठीक है। अब मैं आपको रेगुलराइजेशन लगा के दिखाता हूँ। लेट से मैंने L2 रेगुलराइजेशन लगाया, और L2 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो ऑटो के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट से हम ये लास्ट वाला यूज करते हैं, SAGA। सो अगर हम ये यूज करें और फिर हम इसको रन करें, कुछ खास चेंजेस तो नहीं आए। एक काम करते हैं, इस पेनल्टी को थोड़ा सा रेगुलराइजेशन को बढ़ाते हैं। सो जितना छोटा नंबर होगा सी, उतना ज्यादा होगा रेगुलराइजेशन, हमने पढ़ा अभी जस्ट। अभी भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ देखो गाइस, अब डिफरेंस दिखने लग गया है, आपका जो स्लोप का वैल्यू है वो घटने लग गया है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे नन कर दूं, और नन के लिए हम यूज कर सकते हैं सिर्फ इसी को रहने देते हैं। यू कैन सी ये जो स्लोप है दिस इज हायर, लाइक स्लोप का वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं L2, तो यू कैन सी स्लोप नीचे आ रहा है, विच शोज कि आपका अप्लाई हो रहा है रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो अगेन आप अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्राई करके देख सकते हो, यू वुड सी कि वो फ्लैटन होगा पूरा का पूरा। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पर, और वो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करके विदाउट एनी रेगुलराइजेशन। आई हैव टू यूज मल्टीनोमियल विदाउट पेनल्टी, सो हम लास्ट में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज SAGA, यहाँ पे विल सेलेक्ट मल्टीनोमियल और रन किया, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट, ठीक है। सो हमारा क्लियर कट 3 अलग डिसीजन रीजन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वॉट यू शुड डू इज दो चीजें करो आप। सबसे पहले तो ये कोड जा करके आप उठा लो GitHub से, और सेकेंड इसको रन करके देखो, मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करो और अपने अंडरस्टैंडिंग जो भी आपको आउटकम्स मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करो, ठीक है, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सेट उठाओ, लाइक आयरिस हुआ या वो ब्रेस्ट कैंसर वाला हुआ या फिर एमनिस्ट हुआ, ये जो जितने भी स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सेट्स हैं उनको उठाओ और उनके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करो, और इन पैरामीटर वैल्यूज को ट्यून करके बेस्ट रिजल्ट निकालने का ट्राई करो, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न एन एल्गोरिदम, हाउ टू अप्लाई एन एल्गोरिदम, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे के नियरेस्ट नेबर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।